पूर्णिया शहर के आरनसौ चौक पर किसान समन्वय समिति द्वारा तीनों कृषि कानून के विरोध में किसान कानून की प्रतियां जलाई गई। किसान समन्वय समिति पूर्णिया के संयोजक ने तीनों कृषि कानून के वापसी के साथ साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी कानून बनाने की मांग पर जोर देते हुए कहा कि कृषि से उत्पादित हरेक वस्तु का मूल्य निर्धारण कंपनियां कर सकती है, तो किसान के उपजाए हुए फसल का मूल्य निर्धारण क्यों नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कृषि कानून की त्रुटियां बताते हुए कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कानून से भूमिहीन किसान जो बटाई पर खेत लेकर खेती करते थे वह पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने सरकार से भी सवाल किया और कहा कि जमाखोरी और कालाबाजारी से सरकार किसे फायदा पहुंचाना चाहती है, केंद्र सरकार की कौन सी मजबूरी है जिसके कारण सरकार जमाखोरी और कालाबाजारी को कानूनी मान्यता देने पर अड़ी है। मौके पर उपस्थित अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला अध्यक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी के सभी सदस्य खुली बाजार व्यवस्था अथवा कानून के समर्थक रहे हैं, किसान इस फैसले से निराश हैं। इस कार्यक्रम में अनिरुद्ध मेहता, शत्रुघ्न यादव, दिनेश शर्मा, इरशाद पूर्णवी, विमल मेहता, बबलू गुप्ता, कुमार साहब, हरिलाल पासवान, यमुना मुर्मू, विश्वजीत मेहता, रमन विश्वास, मंगल कुमार, अजहर हुसैन, संजीव कुमार, विनोद यादव, डॉक्टर रज कुमार समेत अनेक किसान नेता और किसान मौजूद रहे। आज हम लोग यहाँ सुप्रीम कोर्ट जो तीन कानून पास किए गए थे केंद्र सरकार के द्वारा, उसका जो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे प्रधानमंत्री को फटकार लगाई है, इसलिए हम लोगों को उसका हम स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कानून का हम स्वागत करते हैं और हम लोग जो है यहाँ पे आज ये निर्णय लिए हैं कि हम लोग अब कंटिन्यू जब तक ये तीनों कानून पूर्ण रूप से स्थगित नहीं हो जाती है, इसको वापस नहीं लिया जाता है, तब तक हम लोगों का आंदोलन कंटिन्यू जारी रहेगा। और हम लोग केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं किसान विरोधी कानून हमारे देश में नहीं चलेगी। हम लोगों को MSP की जो बात है, MSP लिखित रूप में होनी चाहिए। हमारे फसल का जो उचित मूल्य हमें नहीं मिल पाती है वो हमें डायरेक्ट मिलनी चाहिए। और हम लोगों का ये लास्ट केंद्र सरकार को नोटिस कहिए या आवेदन कहिए हम लोग कर रहे हैं, जब तक यह तीनों कृषि बिल पूर्ण रूपेण वापिस नहीं लिया जाएगा तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम लोग कभी नहीं सोचे थे माननीय प्रधानमंत्री से कि इतना बड़ा किसानों के साथ अत्याचार करेंगे। आज किसानों के दिल का आहत कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मैं कोर्ट का स्वागत करता हूं, लेकिन ये कमिटी पर ये हिंदुस्तान के किसानों को शक है कि ये उनके पक्ष का है और हम लोगों को ये नरेंद्र मोदी जी के पक्ष का ये कानून आदमी है जो वो कमेटी में आए हुए हैं, और कमेटी कहीं हम लोगों के विपक्ष में वो काम नहीं करे इस पर शक है। अगर इस तरह की बात होगी तो अनवरत आंदोलन चलता रहेगा, और जब तक हम लोग कानून वापस नहीं करेंगे, जब तक कानून रद्द नहीं करेंगे, आपका भी हो जाएगा जी। बताया देखिए, आज पूरे देश भर में जो ये काला कानून है, कृषि जो तीनों बिल आया है, इसको जलाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि लगातार किसान मांग कर रहे हैं कि ये तीनों काला कानून वापस हो और जल्द से जल्द वापस हो, मगर सरकार सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद भी आज तक इतने सही ढंग से संज्ञान नहीं ले पाई है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो ये चार कमेटी बनाई है, इसमें भी वैसे लोगों को शामिल किया है जो पहले से पूर्णतः पक्षधर थे इस कानून के। तो हमें जो न्याय चाहिए, हम चाहते हैं कि इस कानून को जब तक रद्द नहीं किया जाएगा तब तक हमारा यह आंदोलन जारी रहेगा। हम आंदोलन को और गति प्रदान करेंगे और तेज करेंगे जब तक ये तीनों काला कानून और न्यूनतम समर्थन मूल्य पे पूरा सही खरीद की गारंटी नहीं। पूरे जिला मुख्यालय में, देश के सभी जिला मुख्यालय में यह जो तीनों काला कानून किसान के विरोध में आया है, इसको किसान जलाने का काम किए हैं, कार्यक्रम किए हैं। ये तीनों काला कानून बिल्कुल किसानों के विरोध में है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुआ, सुनवाई में कोर्ट के जज का बहुत अच्छा रहा, उन्होंने तो परोक्ष रूप से कह दिया ये प्रधानमंत्री जो है सो प्रधानमंत्री के लायक नरेंद्र मोदी नहीं है। उसके बाद ये चार लोगों का जो कमेटी गठित हुआ, लेकिन चारों लोग नरेंद्र मोदी के दलाल है, नरेंद्र मोदी के चारों दलाल है, वो किसान है ही नहीं। इसीलिए हम उस कमेटी का विरोध करते हैं। हम उन कमेटी ईमानदारी से किसानों को कमेटी में लिया जाता तो हम लोग संतुष्ट होते। इसलिए किसानों का मामला है, किसानों को लेना चाहिए,
हमारे किसानों को लेना चाहिए। तो इस तरह से किसान जो है सो भारत का बर्बाद हो रहा है। ना तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट को हम लागू कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे हैं। फसल का 1.5 गुना किसानों को मिलना चाहिए। फसल में जो लागत लगता है उसका 1.5 गुना किसानों को आमदनी होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए समर्थन मूल्य गेहूँ और धान का जो है।